वेलकम स्टूडेंट्स स्ट्रॉबेल अकेडमी की इंग्लिश आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक नोवेल एनिमल फॉर्म बाय जॉर्ज ऑरवेल उसका चैप्टर नंबर वन जो है वो स्टार्ट करूँगी तो हम इसको शुरू करते हैं मैं आपको इसका एक्चुअल टेक्स्ट जो है बुक करवा रही हूँ मिस्टर जॉन्स ऑफ द मैनर फॉर्म हैड लॉक्ड द हेन हाउसेस फॉर द नाइट बट वाज़ टू ड्रंक टू रिमेंबर टू शट द पोप हॉल्स कहते हैं मिस्टर जॉन जो कि मैनर फॉर्म ये एक फॉर्म का नाम है मजीद आगे जाकर आपको क्लियर होगा मैनर फॉर्म का जो मालिक था मिस्टर जॉन्स हैड लॉकड द हाउस इज फॉर द नाइट रात हो गई थी तो इसलिए उन्होंने हैन हाउसेस मुर्गियों के घरों को बंद कर दिया था बट वॉज़ टू ड्रंक टू रिमेंबर टू शट द पॉप होल्स लेकिन वो इतना ड्रंक था उन्होंने इतने ड्रिंक ले ली थी कि वो ये भूल गए थे कि पॉप होल्स को भी वो बंद कर दें पॉप होल्स जो हैं वो जंगले में छोटे सुराख छोड़े जाते हैं या थोड़ी जगह जगह चोड़ी जाती है जहाँ पर एनिमल्स जो है वो गुजर सकें यू समझी जो दरवाजे से होते हैं फेंस में जंगले में या फॉर्म की बिल्डिंग के दरमियान उनके लिए रास्ते होते हैं जिस पर एनिमल्स जो है वो आसानी से आ जा सकते हैं और रात को जो है मिस्टर जोन्स वो बंद कर दिया करते थे लेकिन उस रात जो है वो पॉप हाउस बंद करना भूल गए विद द रिंग ऑफ लाइट फ्राम हिज लेंट्रन डांसिंग फ्रॉम साइड टू साइड ही लर्च्ड अक्रॉस द यार्ड उनके हाथ में वापस जो है फॉर्म से अपने घर की तरफ आ रहे थे उनके हाथ में लैंट्रिंग थी मतलब जैसे हम लालटेन बोलते हैं लाइट थी और वो जो जब चल रहे थे तो वो चूँकि ड्रंक थे तो वो साइड से साइड जो है वो हिल रहे थे और वो लाइट भी साथ में हिल रही थी ही लर्च्ड अक्रॉस द यार्ड सहन में से वो मुश्किल से होकर गए लर्च का मतलब लड़कड़ा कर चलना किकड ऑफ़ हिज बूट्स एट द बैक डोर जब वो उन्होंने जो है फिर बैक डोर पर जो है अपने शूज़ जो हैं वो किक करके जो है अपने पाँव से गिराए ड्रूह सेल्फ लार्ज ग्लास ऑफ बियर फ्रॉम द बैरल इन द स्कलरे और फिर जो है उन्होंने इस से एक और जो है बियर का ग्लास जो है वह अपने लिए बनाया कलरे जो है एक छोटा सा रूम होता है या छोटा सा किचन होता है जिसमें कुछ चीज़ें वगैरह रखी जाती हैं बैरल का मतलब कंटेनर तो उन्होंने कंटेनर से जो है एक स्मॉल से किचन में बेयर का ग्लास एक और अपने लिए बनाया एंड मे हिज़ वे अपू बेड और अपना रास्ता बनाया बेड की तरफ वेयर मिसि जॉन्स वॉज ऑलरेडी स्नोरिंग जहाँ पर मिसिस जॉन पहले से सो रही थी स्नोरिंग मीन्स वो खराटे ले रही थी एसोन इज द लाइट इन द बेडरूम आउट देर वॉज अ स्टरिंग एंड अ फ्लटरिंग ऑल थ्रू द फॉर्म बिल्डिंग्स मिस्टर जोन्स जब सोने के लिए लेटे उन्होंने बेडरूम की लाइट बंद कर दी जैसे ही बेडरूम की लाइट बंद हुई तमाम फॉर्म की बिल्डिंग्स में वहाँ बाहर बहुत बड़ा फॉर्म है जबकि डेढ़ सारी एनिमल्स हैं तो ज्यादा बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर जो है एक अजीब सी जो है स्टरिंग शुरू हो गई हलचल शुरू हो गई जो है वहाँ पर एनिमल्स जो है वह चलना शुरू हो गए all through the farm buildings word had gone around during the day that old major the prize middle white boar had had a strange dream on the previous night and wished to communicate it to the other animals tamam animals mr jones ke sone ka intezar rahe the aur jab unki light ban ho to sab jo hai farm buildings me se chalne lage word had gone राउंड ड्यूरिंग द डे दिन के वक्त तमाम जानवरों को यह मैसेज मिला था दैट ओल्ड मेजर के बूढ़ा मेजर इसका नाम उन्हें कैपिटल एम से लिखा मतलब ये उसका नाम है और जो असल में कौन है द प्राइस मिडल वाइट बोर वो जो है मिडल वाइट बोर था बोर जो है वो मेल पिक को कहते हैं स्टोरी में काफ़ी ज़्यादा जानवर होंगे जिसे हमें जो है हम उनको स्टडी करेंगे जो मेल पिक होता है वो बोर कहलाता है तो बूढ़ा जो एक पिक था जिसका नाम मेजर स्ट्रेंज ड्रीम ऑन द प्रीवियस नाइट उन्होंने तमाम जानवरों को मैसेज भिजवाया कि मैंने पिछली रात एक अजीब सा ख्वाब देखा एंड विश टू कम्युनिकेट इट टू द अदर एनिमल्स और वो चाहते थे कि वो अपना ख्वाब दूसरे जानवरों तक पहुँचाएं उनको सुनाएं। इट हैड बिन एग्रीड दैट दे शुड ऑल मीट इन द बिग बॉन एज सुन एज मिस्टर जो सेफली आउट ऑफ द वे और इस बात पर दिन के वक्त इत्तेफाक हो गया था कि जैसे ही मिस्टर जोन्स जो हैं वो चले जाएंगे वो रास्ते से हट जाएंगे वो सो जाएंगे तो तमाम जानवर जो है वो बिग पान में जो बड़ी बिल्डिंग है वहाँ मिलेंगे ओल्ड मेजर सो ही ऑलवेज कॉल्ड दो द नेम अंडर विच ही हैड बीन एग्जिबिटेड वॉज विलिंगटन ब्यूटी कहते हैं उनको हमेशा फॉर्म के जानवर जो हैं वो ओल्ड मेजर के नाम से याद किए याद करते थे अगर जो जिस नाम से उनको एग्जिबिट किया गया था जिस नाम से मतलब वो ख़रीदा गया था जो नाम उनको इंसान बोलते थे वो विलिंगटन ब्यूटी था और सो हाईली रिगार्डेड ऑन द फॉर्म ओल्ड मेजर को फार्म पर इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती थी दैट एवरी वन रेडी टू लूज़ इन आवर स्लीप इन आर्डर टू हेयर वट ही हैड टू से हर एक जानवर इस बात के लिए तैयार हुआ कि वो अपने एक रात रात को एक घंटे की नींद जो है वो ख़राब कर सकते हैं कुर्बान कर सकते हैं उनकी बात सुनने के लिए तमाम जानवर उनको बहुत रिस्पेक्ट देते थे और हर कोई इस बात के लिए तैयार था कि वो जो है उनकी बात सुने और सब जो है इस तरफ आ रहे थे

Sort of प्लेटफॉर्म से बना हुआ था जो थोड़ा सा ऊंचा था मेजर वॉज ऑलरेडी इन कॉन्स्ट मेजर पहले से वहां पर जो है कम्फर्टेबली मौजूद था ऑन हिस्स बेड ऑफ स्ट्रा अपने टिंकी के बेड पर अंडर ए लेंट्रिच हंग फ्राम अबी वो कमरा चूंकि जो है बान है एनिमल्स का है और पुराने जमाने का है लकड़ियों का बना हुआ है तो एक बीम बीम का मतलब एक लकड़ी जो इंटरनल जो है इस्तेमाल होती है छत में छत की एक लकड़ी से जो है एक लैंट्रिन लटका हुआ था और उसके नीचे मेजर मौजूद था ही वॉज़ ट्वेल्व ईयर्स ओल्ड उसकी उम्र बारह साल थी एंड लेटली ग्रोन रदर स्टाउट और कुछ ही टाइम में वो काफ़ी ज़्यादा जो है स्ट्रॉग मत स्टाउट मीन्स मोटा हो गया था बट ही वॉज स्टिल अ स्टिल अ मेजिटिंग लुकिंग पिक लेकिन फिर भी अभी भी वो काफ़ी ज़्यादा शानदार दिखाई देता था

बिफोर लॉन्ग दिन आफ्टर दियर डिफरेंट फैशन जल्द ही तमाम एनिमल्स जो है आना शुरू हो गए और अपने अपने अंदाज में जो है ख़ुद को कम्फर्टेबल वहाँ पर फील किया और हर एक वहाँ पर बैठने लगा फर्स्ट कैम द थ्री डॉग्स पहले तीन डॉग्स आए ब्लू बेल जेसी एंड पिंचर एंड देन दिक्स और फिर पिक्स आए हु सेटल डाउन इन द स्ट्र इमिजी इन फ्रंट ऑफ द प्लेटफॉर्म तमाम पिक्स जो हैं वो फॉरन ही ओल्ड मेजर के प्लेटफॉर्म के सामने जो है बैठ गए देंड्स पर्च देल्स ऑन दिन सेल्स तमाम मुर्गे जो थीं वो विंडो uh, सेल्स पर जो है वह बैठ गई दिजन्स फ्लट अप टू द राफ्टर्स पिजन् उड़ कर जो है राफ्टर्स पर बैठ गई राफ्टर जो है वो भी इंटरनल बीम्स होते हैं लकड़ियाँ जो यूज हुई थी उस छत में वहाँ पर उड़ कर जाकर बैठ गई

वॉकिंग वेरी स्लोली बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए एंड सेटिंग डाउन देअर वॉस्ट हेरी हुफ्स विद ग्रेट केयर उनके हुफ्स बहुत बड़े बड़े थे जिस पर बाल थे हुफ्स का मतलब जो घोड़े के पाँव होते हैं वो बहुत एहतियात से अपने पाँव रख रहे थे लेस देयर शुड बी सम स्मॉल एनिमल कंसील्ड इन दस्ट्रा वो इसलिए बहुत एहतियात से चल रहे थे और स्लो चल रहे थे कि वो ये चेक कर रहे थे कि ऐसा ना हो कि स्ट्रॉ में कोई जो है उस तिंकों में जो है कोई छोटा सा जानवर छुपा हुआ हो और वो उस पर पाँव न रखते क्लोवर वॉज स्टाउट मदरली मेयर अप्रोचिंग मिडल लाइफ क्लोवर जो थी यहाँ पर दो घोड़ों का जिक्र है बॉक्सर एंड क्लोवर क्लोवर जुती वो असल में फीमेल थी वो a uh, female horse थी was a stout motherly mare जिसे मेयर कहते हैं फीमेल हॉर्स को वो बहुत मजबूत सी जो थी मदर किस्म की मेयर थी approaching middle life जो कि मिडल लाइफ तक पहुँच चुकी थी who had never quite got her figure back after her fourth foal मतलब उसका चौथा जो है बेबी हुआ foal का मतलब यंग हॉर्स, horse उसका चौथा बेबी हॉर्स हुआ उसके बाद दोबारा अपना फिगर वो हासिल ना कर सकी मतलब वो थोड़ी सी जो है वो मोटी हो गई थी boxer was an enormous beast बॉक्सर जो कि जो है घोड़ा है जो मेल है वो बहुत बड़ा था नॉर्मल मतलब बहुत बड़ा बीस्ट जानवर नियरली एटीन हैंड्स हाई उसकी हाइट जो वो एटीन हैंड्स थी एंड एज स्ट्रॉन्ग एज एनी टू ऑर्डनरी हॉर्सेस पुट टुगेदर बॉक्सर इतना स्ट्रॉन्ग था जिस तरह कि आम दो घोड़े इकट्ठे हो जाएं। A white stripe down his nose gave him a somewhat stupid appearance. बॉक्सर की नोस के करीब जो है एक वाइट किस्म की लाइन जो थी वो लगी हुई थी जिसकी वजह से वो कुछ बेवकूफ़ सा दिखाई देता था एंड इनफैक्ट ही वॉज़ नॉट ऑफ द फर्स्ट रेट इंटेलिजेंस और ये हकीकत थी कि बॉक्सर जो था वो बहुत ज़्यादा जहीन नहीं था बट ही वॉज़ यूनिवर्सली रिस्पेक्टेड फॉर स्टेडीनेस ऑफ करेक्टर लेकिन तमाम जानवर जो है उसको बहुत रिस्पेक्ट करते थे क्योंकि उसका करैक्टर बहुत स्टेडी था बहुत स्ट्रॉग था एंट्रोमेंडस पावर्स ऑफ वर्क और काम करने की सलाहियत उसमें बहुत ज़्यादा थी

इट वॉज यूजली टू मेक सम सिनिकल रिमार्क जब बोलता था कोई सिनिकल रिमार्क जो है वो कहता था सिनिकल मीन्स आईरोनिकल तंस करना फॉर इंस्टेंस मिसाल के तौर पर ही वुड सेम गता था कि गॉड ने उसको एक दुम दी है जिससे वो मक्खियाँ उड़ाता है बट देट ही लेकिन बहुत जल्द उसकी ना कोई ठेल होगी और ना ही फ्लाइज होंगी

फिर भी अगर जब बेंजामिन का कोई दोस्त नहीं था और वो साफ तौर पर उसको एडमिट नहीं करता था फिर भी वो बॉक्सर का दोस्त था बॉक्सर के साथ काफ़ी डिवोटेड था द टू ऑफ देम यूजुअली स्पेंड देयर सनडेज टुगेदर वो दोनों आम तौर पर अपने सन्डेज तमाम इकट्ठे गुजारते थे इन स्मॉल पैडॉक बियॉन्ड द ऑर्चर्ड औरकर्ड मीन्स जो बाग था पलो का बाग उसके पीछे जो है एक छोटा सा पैडॉक था मीन स्टेबल था स्तबल था दोनों वहाँ पर जो है अपनी छुट्टी का दिन गुजारते थे ग्रेजिंग साइड बाय साइड एंड नेवर स्पीकिंग साथ ही साथ जो है साइड बाय साइड इकट्ठे जो है वो ग्रेस करते थे नेवर स्पीकिंग और कभी बात नहीं करते थे मतलब दोनों फ्रेंड्स थे आपस में अगरचा बोलते काफ़ी ज्यादा कम थे द टू हार्सिस जस्ट लेन डाउन तो हम ये बात कर रहे थे कि ओल्ड मेजर ने उनको कोई ख्वाब सुनाना था जो कि एक पिग था वो वहाँ बैठा हुआ था उस पिग से आए उनके सामने बैठे डॉग्स आए हैंस आई और गोट आए शीप आए और टू हॉर्सेस बॉक्सर क्रॉवर फिर मरियल जो कि वाइट गोट थी वो आई और फिर बेंजमिन ये तमाम जो जानवर हैं आगे स्टोरी में तमाम का जिक्र होगा टू हॉसेज कहते हैं घोड़े बॉक्सर क्लोबर एहतियात से आए और बैठ गए और फिर जो है डकलिंग्स की जो है एक फैमिली आई विच हैड लॉस्ट देयर मदर जिनकी माँ जो थी वो मर चुकी थी फाइल्ड इन टू द बान वो जो है फाइल मतलब एक तरकीब से बान में दाखिल हुए चीपिंग फीबली बहुत छुट छोटी सी आवाज में जो है वो चिरप कर रहे थे अपनी निकाल रहे थे। थे, वो वो छोटे-छोटे बहुत परेशान थे और इधर उधर हिल रहे थे घूम रहे थे कि वो कोई जगह ढूंढ लें जहाँ पर कोई उनको पाँव ना रख सके क्लोवर मेड तो अट ऑफ वॉल्ड राउंड लेग यहाँ पर क्लोवर ने जो कि फीमेल हॉर्स है वहां पर जो है उसने आ, बहुत जो है अपनी बहुत बड़ी पाव से

हु डू मिस्टर जॉन्स ट्रैप केम मिनसिंग डेटली इन वो भी जो है हाँ आई अपने मुँह जो है हिलाते हुए और जो है आराम आराम से आई चीविंग एट अ लम्प ऑफ शुगर और वो शुगर का शूगर जो थे उसके मुँह में था और वो उसको छबा रही थी शी टुक अ प्लेस नीर द फ्रंट एंड बिगेन फ्लर्टिंग हर वाइट मैन वो जो थी Uh, जो मोली थी वो एक मेयर थी मतलब वो भी एक फीमेल हॉर्स थी लेकिन वो बहुत खूबसूरत थी वो वाइट कलर की थी वो वहाँ बैठ गई और अब अपने जो है वाइट कलर के जो मैन थे उसके साथ जो है उसमें हाथ पैरने लगी मैन का मतलब जो घोड़े के बाल होते हैं सर पर और गर्दन पर जो आए होते हैं होपिंग टू ड्रॉ अटेंशन टू द रेड रिबन इट वॉज प्लेटेड विद उसके जो मेल थे उस पर बहुत मेन थे उसके जो बाल थे उस पर बहुत खूबसूरत कलर के रेड रिबन जो है वो लगे हुए थे और वो जो है जानबूझ कर अपने बालों पर पे हाथ पैर रही थी ताकि उन तमाम जानवरों को वो रेड रिबन नजर आ सके लास्ट ऑफ ऑल खेम द केट सबसे आखिर में कैट आई राउंड फॉर द वार्मेस्ट प्लेस वो कैट हमेशा की तरह उसकी आदत थी सबसे वो अपने लिए जो है अच्छी जगह जो है वो ढूंढ रही थी एंड फाइनलीज हर सेल्फ इन बिटवीन बॉक्सर एंड क्लोवर और सबसे ज्यादा उसको कम्फर्टेबल जगह बॉक्सर बॉक्सर और क्लोअर के दरियान लगी और वह वहाँ पर अंदर घुस गई There she contently throughout speech without listening to शी पर्ड कंटेंटली थ्रू he स्पीच विदाउट बिल्ली वहाँ पर ही तमाम मेजर की स्पीच में उधर ही मौजूद रही और बड़ी जो है satisfactory आवाजें निकालने लगी वो वहाँ पर खुश रही और मेजर ने स्पीच में जो भी कहा बिल्ली ने उसका एक लफ्ज़ भी नहीं सुना ऑल द प्रेजेंट एक्सेप्ट मोसेस द ट रेवन तमाम जानवर वहाँ पर मौजूद थे सिवाय मॉजिस के और मॉजिस जो था वो खरो है वो एक कहुआ था लेकिन खर टेम का मतलब ये कि उसने जो है उसको आ, ट्रेनिंग दी थी मिस्टर जोन्स ने और वो जो थी वहाँ पर रहती थी उनके साथ हु सेलेक्ट ऑन अ पर्च बिहड द बैक डोर क्योंकि वो जो है सोई हुई थी पिछले वाले दरवाजे पर जब मेजर ने देखा कि वो तमाम आराम से बैठ गए हैं और वो इंतजार कर रहे हैं उसके बोलने का he cleared his throat and began, क्लियर उसने अपना गला साफ किया और वो बोलना शुरू हुआ comrades, you have all heard already about the strange dream that I had last night. कॉमरेड्स फ्रेंड्स तो आप लोगों ने पहले ही सुना होगा उस अजीब से ख्वाब के बारे में जो मैंने पिछली रात देखा बट आई कम टू द ड्रीम लेटर बट आइल कम टू द ड्रीम लेटर आई हैव समथिंग एल्स टू से फर्स्ट उससे पहले मैं कुछ और कहना चाहता हूँ आई डो नॉट थिंक कॉमरेड्स दैट आई शेल बी विद यू फॉर मेनी मंथ्स लॉन्गर एंड बिफोर आई डाई आई फील इट माई ड्यूटी टू पास ऑन टू यू सच विजडम एज आई हैव एक्वायर्ड ओल्ड मेजर ने उनको कहा कि फ्रेंड्स मुझे लग रहा है कि मैं बहुत महीने आप लोगों के दरमियान नहीं रहूंगा और मरने से पहले मैंने जो अकल हासिल की है इस दुनिया में रहते हुए मैं वो आप तक पहुंचाना चाहता हूं। आई हैव हैड अ लॉन्ग लाइफ आई हैव हैड मच टाइम फॉर थॉट एज आई ले लॉन इन माई स्टॉल कहते हैं मैंने काफ़ी लंबी जिंदगी गुजारी बारह साल और मेरे पास सोचने का बहुत वक्त होता है क्योंकि मैं अक्सर जो है आराम से अपने स्टॉल में अकेला लेटा होता हूँ स्टॉल का मतलब हुआ एक इंडिविजुअल कंपार्टमेंट हर एक एनिमल का जो अलग कंपार्टमेंट होता है आई थिंक आई मे दैट आई अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ लाइफ ऑन दिस अर्थ एज वेल एज एनी एनिमल नाउ लिविंग डिज़ अबाउट दिस दट आई विश टू स्पीक टू यू वो कहता है किसी भी जानवर से ज़्यादा बेहतर तौर पर मैं जानता हूँ कि इस दुनिया में इस ज़मीन पर नेचर ऑफ लाइफ कैसी है और वही जो है मैं आपको आज बताना चाहता हूँ नाउ कॉमरेज वट इज द नेचर ऑफ दिस लाइफ ऑफ आर्थ आप friends, are, socho, जो हमारी जिंदगी है इसकी नेचर क्या है लेटस फेस इट आर लाइफ आर मिसरेबल आओ कि इसको फेस करें हम इस रियलिटी को जो है इसका सामना करें और लाइफ आर मिज़रेबल हमारी जिंदगियां मिज़रेबल हैं मुश्किल हैं लेबोरियस एंड शॉर्ट लेबोरियस हम बहुत काम करते हैं एंड शॉर्ट हमारी जिंदगी मुख्तसर है वी आर बॉर्न वी आर जस्ट गिवन सो मच फूड एज विल कीप द ब्रेथ इन आवर बॉडीज एंड दोपेबल ऑफ अस हु आर कैपेबल ऑफ इट आर फोर्स टू वर्क टू द लास्ट आइटम ऑफ आवर स्ट्रेंथ हम वी आर बॉर्न हम पैदा होते हैं फिर हमें जस्ट इतनी खुराक दी जाती है कि हमारी सांस जो है वो हमारे जिस्मों में मौजूद रहे एंड दो फर्स हु आर कैपेबल ऑफ इट और फोर्स टू वॉक टू द लास्ट आइटम ऑफ अवर स्ट्रेंथ और हम लोग जो हैं जो अपनी ज़िंदियाँ जो हैं मतलब बचा लेते हैं हम थोड़ी सी खुराक पर हम जो ज़िंदा रह सकते हैं रह लेते हैं हमें मजबूर किया जाता है कि हम अपनी स्ट्रेंथ की आखिरी आइटम तक जो है आखिरी हिस्से तक जो है हम काम करते रहें हमारी अपनी मुश, हमारी स्ट्रेंथ से ज़्यादा हमसे काम लिया जाता है एंड द वेरी इंस्टेंट डेट अवर यूजफुलनेस हैज़ कम टू एन एंड वी आर स्लॉटेड विद हीस क्रोल्टी और उस लम्हे जिस लम्हे जो है हमारी यूजफुलनेस ख़त्म हो जाती है हम किसी काम के नहीं रहते हमें जिबा कर दिया जाता है स्लॉटर कर दिया जाता है बदसूरत के साथ नो एनिमल इन इंग्लैंड नोजिंग ऑफ हैं इंग्लैंड में कोई भी जानवर ऐसा नहीं है कि एक साल के बाद उसको का लीजर का मालूम हो एक साल का होते ही हम पर काम डाल दिया जाता है हमें फारि वक्त नहीं मिलता नो एनिमल इन इंग्लैंड इज फ्री इंग्लैंड में कोई भी जानवर फ्री नहीं है द लाइफ ऑफ एन एनिमल इज मिजरी एंड स्लेवरी एनिमल की जिंदगी यहाँ इंग्लैंड में एक मिजरी है और स्लैबरी है ग़ुलामी है दिस इज द्लें ट्रूथ दैट इज द प्लिन ट्रूथ और यही सच्चाई है बट इज दिम्पली पार्ट ऑफ दर्डर ऑफ नेचर इज इट इज इट बिकॉज दिस सो पुअर दैट इट कैन नाट अफोर्ड लाइट लाइफ टू दो इट यहाँ पर मेजर दो क्वेश्चन पूछता है वो कहता है कि क्या हम ये सब एक्सेप्ट कर लें क्योंकि हम समझे कि नेचर ऐसे ही है अल्लाह ने कुदरत ऐसे ही बनाई है या हम ये समझ लें कि हमारा ये मुल्क इतना गरीब है कि यहाँ पर जो है जो रहने वाले हैं ये इनको जो है कोई डिसेंट जिंदगी नहीं दे सकती अगर हमारा मुल्क गरीब हो तो ठीक है हम एक्सेप्ट करते हैं नो टाइम्स नो नहीं मेरे दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है हजार दफा नो दॉइल ऑफ इंग्लैंड इज फर्टाइल इट्स क्लाइमेट इज गुड सो so, इंग्लैंड की सॉइल बहुत जरखेज़ है इसका मौसम अच्छा है इट ऑफ अफोर्डिंग फूड इन अबंडेंस टू एन इनॉर्मसली ग्रेटर नंबर ऑफ एनिमल्स दैट नाउ इन्ेबिटेड इंग्लैंड में आज जितने जानवर बसते हैं अगर इससे कहीं ज़्यादा भी जानवर हो तो इंग्लैंड की जमीन उनको बहुत अबंडेंस में बहुत ज़्यादा फूड दे सकती है

वो इसलिए हैं कि हम जितनी भी मेहनत करते हैं जितनी भी प्रोडक्शन होती है वो सब हमसे इंसान चुरा लेते हैं देयर कॉमरेड्स इन द आंसर टू ऑल आवर प्रॉब्लम्स और यहीं पर हमारे तमाम मसाइल का जवाब है इट इज़ समल वर्ड मैन हमारा तमाम मसला जो है वो मैं समरी बना सकता हूँ एक सिंगल वर्ड से और वह है मैन मैन इज़ द ओनली रियल एनिमी वी हैव इंसान ही वो वाद हमारा जो है असली दुश्मन है रिमूव मैन फ्राम द सीन एंड द रूट कॉज ऑफ हंगर एंड ओवर वर्क इज़ अबॉलिश फॉर एवर इंसान को अगर सामने से हटा दिया जाए तो हमारी भूख की और हमारी ओवर वर्क की जो असल वजह है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो सकती है मैन इज ओनली तो क्रीचर दट कंजूम्स विदाउट प्रोड्यूसिंग ये बहुत आरिक जुमला है इंसान वो वाहिद मखलूक है जो खर्च करता है लेकिन प्रोड्यूस कुछ भी नहीं करता He does not get milk. He does not lay eggs. He is too weak to pull the plow. He cannot run fast to enough to catch rabbits. वो दूध नहीं देता वो अंडे नहीं डालता वो इतना कमज़ोर है इंसान कि वो जो है हल नहीं चला सकता वो इतना तेज नहीं दौड़ सकता कि रैबिट्स पकड़ सके येट ही इज लॉर्ड ऑफ ऑल द एनिमल्स फिर भी वो तमाम जानवरों का लॉर्ड बना हुआ है ही सेट्स देम टू वर्क ही गिवस बैक टू देम द बेयर मिनिमम दैट विल प्रिवेंट देम फ्राम स्टारिंग इंसान कमज़ोर है फिर भी सबका आका बना हुआ है मालिक बना हुआ है वो जानवरों को काम पे लगाता है और वापसी में वो उनको इतना थोड़ी खुराक देता है कि वो उन सिर्फ स्टारवेशन से बच सके फाके से बच सके इन द रेट्स ही कीप फॉर हिमसेल्फ बाकी सारी प्रोडक्शन हम जितनी मेहनत करते हैं बाकी सब कुछ वो अपने लिए रखता है अवर लेबर टेल्स द सॉयल हमारी लेबर से सॉइल जो है वो फर्टाइल होती है और डंग फर्टेलाइज हमारी डंग उसको फर्टिलाइज करती है एंड येट देयर इज नॉट वन ऑफ अस दैट ओन्स मोर देन हिज बेयर स्किन और फिर भी हम में से ऐसा कोई भी नहीं है कि हम अपनी स्किन से ज़्यादा किसी चीज़ के मालिक हो हम किसी भी चीज़ के मालिक नहीं हैं जो हम प्रोड्यूस करते हैं वो इंसान ले लेता है यू काउस डेट आई सी बिफोर मी

वो मिल्क जिससे होना ये चाहिए था कि आप जो है वो अपने काफ्स को खिलाते काफ मतलब ए यंग का वो अपने बच्चों को खिलाते और वो स्ट्रॉन्ग होते ऐसा नहीं है एवरी ड्रॉप ऑफ इट हैज़ गॉन डाउन द थ्रॉट्स ऑफ आवर एनिमीज आप लोगों ने जितना मिल्क दिया उसमें से एक एक कतरा हमारे दुश्मनों के गलों से नीचे गया एंड यू हैंज हाउ मेनी यू

वेयर आर दीज फोर फोल्ड्स यू बोर रोकलेवोर से पूछता है जो कि फीमेल हॉर्स है जो कि मेर है उससे पूछता है कि तुमने जो चार यंग हॉर्सेस दिए हैं वो कहाँ हैं हु शुड हैव बीन सपोर्ट एंड pleasure ऑफ your ओल्ड एज चाहिए तो ये था कि वो तुम्हारे साथ होते और तुम्हारी बूढ़ी उम्र का सहारा बनते तुम्हारी खुशी बनते Each was सो लेट एन एयर ओल्ड जो भी तुम्हारा बच्चा जो है एक साल का हो गया उसको बेच दिया गया नेवर सी एनी ऑफ दैम अगेन कभी भी दोबारा तुम उनको नहीं देख सकोगे इन रिटर्न फॉर योर फोर्ड कन्फाइनमेंट एंड ऑल यूर लेबर इन द फील्ड वट है योर आर बियर राशन एन स्टॉल कहते हैं तुम्हारी तमाम मेहनत के लिए तुम्हारे चार बच्चों के लिए और तुमने फील्ड्स में जो भी काम किया तुम्हें बदले में क्या मिला सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा खाना थोड़ा सा खाना और एक स्टॉल और एक तुम्हें जो है अलग से जगह बनाकर दे दी गई एंड इवन नॉट अलाउड टू रीच देर और फिर मज़ीद ये कि हम जितनी मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे हैं इसको भी पूरा नहीं होने दिया जाता फॉर माई सेल्फ क्रम्बल अपने लिए कहते हैं मैं कोई कंप्लेन में कोई शिकायत नहीं करता मेजर कहता है फॉर आई एम ओनली ऑफ द लकी व क्योंकि मैं उन खुशकस्मत जानवरों में से हूँ जो ज्यादा अरसा जी आई एम टस ओल्ड एंड हैड और फोर हंड्रेड चिल्ड्रेन में बारह साल तक जो है बारह साल का हूँ और फोर हंड्रेड बच्चे पैदा कर चुका हूँ सच इज़ द नेचुरल लाइफ ऑफ अ पिक सो यही एक पिक की नेचुरल लाइफ है बट नो एनिमल द क्रूअल लाइफ नाइफ इन द एंड लेकिन ये एक हकीकत है कि कोई भी जानवर जो है क्रूअल नाइफ से बच नहीं सकता यू यंग पोर्कर्स हु आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी एवरी वन ऑफ यू विल स्क्रीम यूर लाइस आउट एट द ब्लॉक विद इन अ एयर तुम यंग पोर्कर्स जो सामने जो है मेरे बैठे हुए हो पोर्कर्स जो हैं वो पिक्स होते हैं जिनको अब काफ़ी मोटे जिनको जो, जो है बड़ा किया जाता है गोश्त के लिए स्पेशली गोश्त के लिए उनको बड़ा किया जाता है तो वो उनसे कहता है पोर्कर जो मेरे सामने बैठे हुए हो तुम सब जो है एक साल के अंदर अंदर ब्लॉक पर रख कर जो है तुम लोग को बा कर दिया जाएगा और तुम लोग उधर जो है चीख कर अपनी ज़िंदगी खो दोगे टू देट हॉर वी मस्ट कम और उस खौफ से हम सब गुजरेंगे स्लॉटर होने का खौफ हमें सबको को किया जाएगा काउस पिक्स हैंड्सिप एवरीवन हम सब इवन द हॉर्स नो बेटर है यहाँ तक कि घोड़ों का और डॉग्स की भी कोई अच्छी किस्मत नहीं है यू बॉक्सर द वेरी रेट दो ग्रेड मसल्स ऑफ यूअर्स लूज देयर पावर, जॉन्स विल सेल यू टू द नैकर बॉक्सर को कहता है कि बॉक्सर तुम जिसके बाजुओं में बहुत ज्यादा जो है ताकत है जिस दिन तुम्हारी बाजुओं की ताकत जो है वो ख़त्म हो गई जॉन्स जो है तुम्हें उसी दिन जो है वो नेकर के हाथ जो है वो बेच देगा नेकर जो है वो एक बंदा होता है जिसका बिजनेस ये है कि वो जो अनवांटेड एनिमल्स होते हैं वो उनको जो है उनको डिस्पोज करता है उनको जो है खिल करता है या जो डेड बॉडीज को दी जाती है उनको डिस्पोज ऑफ करता है तो जॉन्स जो है वो तुम्हें नेकर के हवाले कर देगा हु विल कट यूर थ्रॉट एंड बॉय यू डाउन फॉर द फॉक्स हॉन्स जो कि जो है तुम्हारा गला काटेगा और तुम्हें बॉयल करेगा फॉक्स हॉन्ड्स के लिए तुम खाना बनोगे

स्प्रिंग फ्राम दिन ऑफ ह्यूम बींगे बात क्लियर नहीं हो गई की तमाम मुसीबतेंट रेड मैन प्रोड्यूसर लेबर वीर ओन अगर हम इंसान से जान छोड़ा ले तो हम जितनी भी मेहनत करेंगे उसकी प्रोडक्शन सिर्फ हमारी होगी ऑलमोस्ट ओवर नाइट बी कम रिच एंड फ्री ओवर नाइट हम रिच और फ्री हो सकते हैं वट देन मस्ट वट देख हमें क्या करना चाहिए वाई वर्क नाइट एंड डे बॉडी एंड सोल फॉर द्रो ऑफ द ह्यूमन रेस ओल्ड मेजर कहता है ये बहुत आसान है दिन और रात हमें अपने जो है पूरे जिसम जान से ये तो कोशिश करनी चाहिए कि हम इंसानी नस्ल को अपने से हटा दें दिस इज माई मैसेज टू यू कॉमरेड्स ये मेरा मैसेज है तुम लोगों को फ्रेंड्स रिबेलियन रिबेलियन करो बगावत करो आई डोट नॉट नो दैट रिबेलियन विल कम इट माइट अ वीक और इन हंड्रेड ईयर्स आई डोंट नो कि रिबेलियन कब आएगा हो सकता है एक हफ्ते में आ जाए हो सकता है कि सालों लग जाए बट आई नो एज श्योरली एज आई सी दिस स्ट्रॉ बीनीथ माई सूनर और लेटर जस्टिस विल बी डन लेकिन मुझे ये पता है मुझे इतना यकीन है जितना यकीन है कि मेरे पाँव के नीचे ये स्ट्रॉ पड़ी हुई है मुझे यकीन है कि बहुत जल्द या देर से जस्टिस होकर रहेगा इंसाफ हमें मिलकर रहेगा फिक्स योर आइज़ ऑन दैट कॉमरेड्स अपनी आंखें इसी तरफ लगाए रखो मेरे दोस्तों थ्रू आउट द शॉर्ट रिमाइंडर ऑफ यूअर लाइफ जितनी थोड़ी आपकी ज़िंदगी है अपनी जिंदगी इसी पे फोकस रखो इन अब ऑल पास ऑन दिस मैसेज ऑफ माइंड टू दो हु कम आफ्टर यू और फिर सबसे बढ़कर ये कि मेरा ये मैसेज उन लोगों उन जानवरों तक तो पहुंचा दो जो तुम्हारे बाद आएंगे सो डेट फ्यूचर जनरेशन शल कैरी ऑन द स्ट्रगल इट इज विक्टोरियस ताकि आने वाली जितनी भी जनरेशन हैं वो ये स्ट्रगल जारी रखें यहां तक कि वो कामयाब हो जाए एंड रिमेंबर कॉमरेड रेजोल्यूशन मस्ट नेवर फॉल्टर और दोस्तों याद रखो तुम लोगों का फैसला कभी जो है फॉल्टर कभी हिलना नहीं चाहिए नो आर्गुमेंट मस्ट लीड यू एस्ट्रे कोई भी आर्गुमेंट्स जो है वो आपको अपने रास्ते से ना हटाए उन लोगों की बात नहीं सुनना जो आप लोगों को ये कहते हैं कि इंसान और जानवरों का इंटरेस्ट जो है वो मुश्तरक है उनको फायदा एक है इन द is ऑफ lies. और जो ये कहते हैं कि इंसान की खुशहाली जानवरों की खुशहाली है ये सब झूठ है मैन सर्व द इंटरेस्ट ऑफ नो क्रीचर एक्सेप्ट हिमसेल्फ एक दफ़ा फिर इंसान पर बहुत बड़ा तंज किया गया है कि इंसान किसी भी मखलूक का फ़ायदा नहीं देखता सिवाय अपने एंड अमंग अस एनिमल्स लेट देयर बी परफेक्ट यूनिटी परफेक्ट कॉम्रेडशिप इन द स्ट्रगल और हमारे दरमियान हमारे जो जानवर हैं हमें चाहिए कि स्ट्रगल में इस स्ट्रगल में हमें परफेक्ट यूनिटी हो परफेक्ट कॉमरेडशिप हो आलमिन और एनिमीज

हाइड क्वार्टर चार और बड़ी बड़ी रेड्स जो थी वो अपनी होल से निकल आई थी और अपनी पिछली वाली टांगों में बैठी हुई थी और ओल्ड मेजर की तकरीर सुन रही थी द डॉग्स एट सडनलीम अचानक ही डॉग्स ने रेड्स को देख लिया एंड ओनली बाई स्विफ्ट डैश फॉर देयर होल्स एट द रेट्स सेफ्ट देयर लाइफ्स और डॉग्स ने उन पर जंप लगाई लेकिन बहुत ही तेजी से जो है वो रेड्स गई और अपनी जिंदगी बचा दी मेजर रेड इज टॉटर फॉर साइलेंस वहाँ पर जो शोर हुआ तो मेजर ने अपना पाँव उठाया टोटर मीन फुट अपना पाँव उठाया खामोशी के लिए यहाँ पर जब उसने कहा आल एनिमल्स आर कॉमरेड्स तो वो ऐसा भी नहीं हुआ अगर जब वो कह रहा था कि तमाम जानवरों को फ्रेंड्स होने चाहिए लेकिन वहाँ पर ऑन दिन ही डॉग्स ने जो है रेड्स पर चलांग लगाई और उनको काने की कोशिश की शोर हुआ और मेजर ने सबको खामोश करने का खामोश होने का कहा कामरेड्स ही सैट हिरंट मस्ट भी सेटल एक पॉइंट है जिसका हम फैसला कर लें दाइल्ड क्रीचर सच इज रेब्स आर देर फ्रेंड्स और एनिमीज लेट एस पुट इट टू दोट आई प्रोपोज दिस क्वेश्चन टू द मीटिंग कहते हैं जो वाइल्ड क्रीचर्स हैं मतलब जो पेट एनिमल्स नहीं हैं जैसे कि रैट्स और रैबिट्स हैं क्या ये हमारे फ्रेंड्स हैं या हमारे दुश्मन हैं मैं आप सब लोग के सामने इसको पेश करता हूँ और मैं कहता हूँ कि आप हमें वोट दे दें क्या रेड्स हमारे फ्रेंड्स हैं द वोट दोट टेकन एट वन ही वोट ले लिया गया एट वॉज द ग्रीट ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी दैट रेट्स और कॉम्रेड्स और बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी से फैसला किया गया कि रैट्स हमारे कॉमरेड्स हैं फ्रेंड्स हैं देर ओनली फोर द थ्री डॉग्स एंड द केट To have voted on both sides. और बाद में पता चला थ्री डॉग्स और कैट ने दोनों तरफ जो है वो हाथ उठाया था मेजर कॉन्टिन्यू मेजर ने जो है अपनी बात जारी रखी आई हे लिटल मोर टू से मेरे पास कहने को बहुत कम है आई मेरे रिपीट मैं जस्ट रिपीट करूंगा रिमेंबर ऑलवेज योर ड्यूटी ऑफ टूवर्ड्स मैन एंड ऑल हिज वेज हमेशा इंसान और उसके तमाम तरीकों की तरफ अपनी दुश्मनी जारी रखो वट एवर गोज अपॉन टू लेग्स इज एन एनिमी जो भी दो पाँव पर चलता है वो दुश्मन है वट एवर गोज अपॉन फोर लेग्स और हैज विंग्स इज़ अ फ्रेंड जो भी चार पाओं पे चलता है या जिसके विंग्स हैं जिसके पर है वो हमारा दोस्त है एंड रिमेंबर आल्सो दैट इन फाइटिंग अगेंस्ट मैन वी मस्ट नॉट कम टू डिजेंबल हिम और ये बात याद रखे कि इंसान से लड़ते हुए हमें इंसान की तरह नहीं बनना इवन विन यू हैव कंकर्ड हिम डू नॉट एडोप्ट अगर आप इंसान पर फतह पा लें तब भी आप उसकी बुराइयां ना अपनाएं नो एनिमल मस्ट एवर लिव इन हाउस और स्लीप इन अ बेड और वेयर क्लॉथ और ड्रिंक अल्कोहल और स्मोक टोबैको और टच मनी और इंगेज इन ट्रेड किसी की भी जानवर को इंसान की तरह नहीं बनना हमें किसी घर में नहीं रहना बेड पर नहीं सोना कपड़े नहीं पहनने अल्कोहल नहीं आ, पीना स्मोक नहीं करना मनी को हाथ नहीं लगाना और हमने बिजनेस में इंगेज नहीं होना ऑल ऑल द हैबिट्स ऑफ मैन आर इंसान की तमाम आदतें खराब हैं एंड अबव नो एनिमल मस्ट एवर हिज ओन और सबसे बढ़कर ये कि किसी भी जानवर दूसरे जानवर पर जुल्म नहीं करेगा वीक और स्ट्रॉन्ग क्लेवर और सिंपल वी आर ऑल ब्रदर्स हम तमाम जानवर इंसान हैं चाहे हम वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो क्लेवर हो या सिंपल नो एनिमल मस्ट एवर किल एनी अदर एनिमल कोई भी जानवर कभी भी किसी दूसरे जानवर को कतल नहीं करेगा ऑल एनिमल्स आर इक्वल तमाम जानवर बराबर हैं नो कॉम्रेड्स आई टेल यू अबाउट माई ड्रीम ऑफ लास्ट नाइट अब मैं आपको अपनी पिछली रात का ख्वाब बताता हूँ आई कैन नाउट डिस्क्राइब दे ड्रीम टू यू मैं आप लोगों को वो ख्वाब सही तरह डिस्क्राइब नहीं कर सकता इट वॉज अट व ड्रीम ऑफ द अर्थ इज़ इट vanished. मैंने वो ख्वाब देखा कि ज़मीन उस तरह हो जब इंसान यहाँ से गायब हो जाए बट इट रिमांडेड मी ऑफ सम लेकिन इस बात से मुझे एक बात याद आई जो तो कि मैं बहुत अरसा पे हुआ भूल चुका हूँ Many years ago, बहुत साल पहले when I was a little pig, जब मैं एक छोटा पिग हुआ करता था my mother and the other सॉस used to sing an old song of which they knew only the tune and the first three words. मैं बहुत छोटा था तो मेरी माँ और उसकी दूसरी फ्रेंड दूसरी सॉस अ फीमेल पिक वो जो है एक पुराना गाना गाया करती थी जिसको उसको मेरी माँ को और उसकी फ्रेंड को सिर्फ ट्यून याद थी और पहली थ्री वर्ड्स याद थे आई हेड नोट द टून इन माई इन्फेंसी मैंने अपने बचपन में ही वो टीन जो है वो सीख ली थी बट हेड लॉन्ग सिंस पास आउट ऑफ माई माइंड लेकिन वह ट्यून बहुत अरसा हुआ मेरे जहन से निकल चुकी थी लास्ट नाइट हाउ एवर इट केम बैक टू मी इन माई ड्रीम बहरहाल पिछली रात मैंने जब ख्वाब देखा तो वो ट्यून वो गाना दोबारा मेरे ख्वाब में आया एंड वट इज़ मोर द वर्ड्स ऑफ द सॉन्ग ऑल्सो केम बैकवर्ड्स और मज़ीद ये कि उस सॉन्ग के अल्फाज भी मेरे जहन में आ गए I'm certain, which were sung by the animals of long ago, and have been lost to memory for generations. मुझे यकीन है ये वही गाना है जो एनिमल्स बहुत पहले जो है वो गाना गाया करते थे और आज लोग हम जानवर उसे भूल गए हैं I'll sing you that song now, comrades, friends. अब मैं वो सॉन्ग आपके लिए गाता हूँ आई एम old and my voice is hoarse. में बूढ़ा हो गया हूँ और मेरी आवाज़ रफ़ है बटवीन आई द ट्यून लेकिन जब मैं आप लोगों को ट्यून सिखा दूंगा यू कैन सिंग इट बेटर फॉर यूर सेल्स तो आप वो गाना ख़ुद बहुत अच्छी तरीके से जो है वो गा सकेंगे हिट इज़ कॉल बीच ऑफ इंग्लैंड इस गाने को कहते हैं बीच ऑफ इंग्लैंड इस गाने का टाइटल है ओल्ड मेजर क्लेर हिस् थ्रॉट एंड बिगैन टू सेंग ओल मेजर जो है उसने अपना गला साफ़ किया और वह गाना शुरू हुआ एज ई हेड सेट हिज़ वॉइस विज हॉर्स जैसे उसने कहा उसकी आवाज़ थोड़ी रफ थी बट ही सेंग वेल एंड अपल्कि लेकिन उसने बहुत अच्छा गाया इन वर्सटरिंग ट्यून और वो जो ट्यून थी वो बहुत एक्साइटिंग थी समथिंग बिटवीन क्लेमटाइन एंड ला कु खारखा वो ट्यून कुछ लैमेंटाइन और कुखारखा मतलब दोनों एक सॉन्ग्स हैं इन दोनों सॉन्ग्स के दरमियान ही वही हुई ट्यून थी द वर्ड्स रेन और उस गाने के अल्फाज कुछ यूं थे बीच ऑफ इंग्लैंड बीच ऑफ आयरलैंड बीच ऑफ एवरी लैंड एंड क्लाइम इंग्लैंड के बीच आयरलैंड के बीच हर लैंड और हर क्लाइमेट के बीच मीन जानवर हार केन टू माई टाइडिंग्स मेरी खुशखबरी सुनो लिसन टाइडिंग्स न्यूज मेरी अच्छी न्यूज सुनो ऑफ द गोल्डन फ्यूचर टाइम मुस्तकबिल के खूबसूरत वक्त की खुशखबरी मैं आपको देता हूँ सूनर और लेट द डे इज कमिंग जल्द या देर से वो दिन आने वाला है टायरन मैन शैल बी ओवर हम इस टायरेंट इंसान को यहाँ से हटा देंगे इन द फ्रूटफुल फील्ड ऑफ इंग्लैंड शैल बी ट्रॉड बाई बीस ओनली और इंग्लैंड के तमाम खूबसूरत फील्ड्स पर सिर्फ और सिर्फ जानवर चलेंगे रिंग्स शैल वैनिश फ्राम अवर नोजेस हमारी खानों से रिंग्स हट जाएंगी जो ग़ुलामी की निशानी है जिस तरह इंसान ने जानवरों को मुख्तलिफ जो है रिंग्स पहनाए होते हैं या मुख्तलिफ़ चीज़ें पहनाए होती हैं ताकि उनसे उनको, उनको कंट्रोल किया जा सके वो कहते हैं हमारी नोजेस हमारे रिंग्स हमारे नोजे से हट जाएंगे, इन द फ्रॉम फ्राम अवर बैक हमारे बैक पर जो हार्नेस है हार्नेस जो है वो पट्टियों का पूरा सिस्टम होता है जिस तरह घोड़े पर बैल्ट पट्टियाँ वगैरह होती हैं उसको कंट्रोल करने के लिए हमारी बैग से हार्नेस हट जाएंगे बिट एंड स्पर शल रेस्ट फॉर एवर बिट और स्पर हमेशा के लिए जो है उस पर जंग लग जाएगा बिट जो है घोड़े की जो है या डांकी वगैरह की जो है माउथ पीस होता है जो उसके मुंह के अंदर होता है और वो पीछे लगाम के साथ जो है वो अटैच होता है उसको खींचते हैं तो घोड़े को तकलीफ होती है और वो रुक जाता है एंड स्पर शल rust फॉर एवर स्पर जो है जो राइडर होता है जो घोड़े पे सवारी करता है या किसी भी और जानवर पर सवारी करता है उसके पाँव के साथ एक आयरन लोहे का डिवाइस लगा होता है जिससे उस एनिमल को वो मारता है तो उससे दर्द होता है वो आगे की तरफ जाता है बिट एंड स्पर जो कि लोहे के दो डिवाइसेज हैं वो हमेशा के लिए जंग उनको लग जाएगा वो यूज़ नहीं होंगे क्रूअल विप्स नो मोर शल क्रैक मजीद जो है ये इंसान हम पर क्रूअल विप्स जो हैं वो नहीं मारेंगे वे मतलब जिससे वो घोड़ वगैरह को मारते हैं चाबक जिसे हम बोलते हैं विच इज़ मोर देन माइंड कैन पिक्चर वीट एंड बार्ले ओट्स एंड है क्लोअ बीन्स एंड मैंगल्स शेल बी आर्स अपॉन दैट डे जिस जिस दिन इंसान ालिम इंसान को हम यहाँ से हटा देंगे हमारे जहन तस्वुर ही नहीं कर सकते कि हमें कितनी ज़्यादा दौलत मिलेगी इंग्लैंड के फील्ड से इस सरजमीन से हमें वीट बार्ले मिलेगा ओट्स मिलेगा है मिलेंगे क्लोवर एक प्लांट है जिसको खाते हैं जानवर बीन्स मिलेंगे मैंगल वर्ड्स वजल्स मिलेंगे शेल बी आवर्स अपॉन दैट डे दे. उस दिन जिस दिन हमें आज़ादी मिलेगी तमाम अनाज तमाम खुराक तमाम खाना हमारा अपना होगा शेल बी आवर्स अपॉन दैट डे ब्राइट विल शाइन द फील्ड्स ऑफ इंग्लैंड और इंग्लैंड की फील्ड चमकेंगे प्योर शेल इट्स वाटर्स be इंसान के जाने के बाद हमारा पानी साफ हो जाएगा स्वीटर जेट शेल ब्रीजेस इंसान के जाने के बाद हवाएं मजीद खूबसूरत हो जाएंगी. On that day, they sets us free उस दिन जिस दिन हम आजाद होंगे फॉर we डे must लेबर तो इस दिन के लिए हम सब ने कोशिश करनी है दो वी डाई बिफोर इट ब्रेक बेशक हम वो दिन आने से पहले हम मर क्यों ना जाएं. लेकिन हमने कोशिश करनी है खाउस इन हॉर्सेज गीज इन टर्कीस टॉयल फॉर फ्रीडम सेक तमाम जानवर चाहे वो परिंदे हों कि दूसरे जानवर हो तमाम ने टॉयल करनी है हार्ड वर्क करना है आजादी की खातिर

बेवकूफ़ तरीन जानवरों ने भी जो है वो ट्यून समझ लिए और चंद लल्फात जो है वो समझ लिए और जहाँ तक जहीन जानवरों का ताल्लुक था जैसे कि पेक्स एंड डॉक्स उन्होंने तमाम जानवर बहुत जल्दी जो है सॉरी उन्होंने तमाम सॉन्ग जो है मिनट्स के अंदर जो है वो याद कर लिया एंड देन आफ्टर रफ्यू प्रलिमिनरी ट्राइस और फिर चंदिरी मतलब इब्तदाई कोशों के बाद स्टार्ट की कोशिशों के बाद द होल फॉर्म बर्सड आउट इंट बीस ऑफ इंग्लैंड तमाम जानवर जो वहाँ मौजूद थे और बहुत एक्साइटेड हो गए थे उसकी तकरीर से उस सॉन्ग से वो बीस ऑफ इंग्लैंड का गाना जो है वो शानदार तरीके से इकट्ठा होकर गाने लगे द काउस लोडेड द डॉग्स वेंडेड द शीप्स ब्लीटेड द हॉर्स वेंडेड द डक्स क्वैक्टेड हर एक जानवर अपने अपने तरीके से उसे गाने लगा दे वर सो डिलइट विद द सॉन्ग दैट दे देंग इट राइट थ्रू फाइव टाइम्स इन सक्सेशन उनको उस गाने में इतना मज़ा आया कि उन्होंने मुसलसल उसको पाँच दफा गाया एंड माइट हैव सिंगिंग इट इट ऑल नाइट इफ नॉट बीन इंटरप्टेड और शायद वो तमाम रात ये गाना गाते रहे अगर उनको इंटरप्ट ना किया जाता अनफॉर्चुनेटली द अप्रोड अबोक मिस्टर जॉन्स अनफॉर्चुनेटली उस शोर से मिस्टर जॉन्ग जॉन्स जाग गए हु हुआ बेड जिन्होंने फ़ौर ही जो है बेड से छलांग लगाई मेकिंग शोर टेव वॉज अ फॉक्स इन यार्ड। उनको ऐसा लगा उनको यकीन हुआ कि यार्ड में शायद कोई फॉक्स आ गया है जो उनके जानवरों को कान, काना चाहता है सीज़ द गन उन्होंने गन पकड़ी विचार वे स्टूडियो ने कॉर्नर ऑफिस बेडरूम जो हमेशा उनके बेडरूम में मौजूद होता है एंड नेट फ्लाई अ चार्ज ऑफ नंबर सिक्स शूट इंटू द डार्कनेस उन्होंने डार्कनेस पर जो है एक गोली छाई द पैलेट्स बेरिड दैम सेल्स इन द वॉल ऑफ द बन वो जो uh, गोलियाँ थीं वो जो Uh, उन्होंने चलाईं वो जो है उस बान की दीवारों के अंदर गायब हो गई एंड मीटिंग ब्रोकअप हरीट ली और बहुत जल्द ही जानवरों की मीटिंग जो है वो टूट गई जाहिर बात है जो उन्होंने फायरिंग की मिस्टर जॉन्स ने तमाम जानवर डर गए और फौरन ही जो है वो मीटिंग ख़त्म हुई एलवन फ्लैट टू हिज ओन स्लीपिंग प्लेस हर एक जानवर अपने अपने सोने की जगह की तरफ भागा द बर्ड्स जम्प ऑन टू देयर परचेज बर्ड्स ने भी जो है अपनी जगह छोड़ दी और जम्प किया द एनिमल सेटल डाउन इन द स्ट्रॉ वो एनिमल्स जो हैं वो स्ट्रॉ में बैठ गए एंड द होल फॉर्म वाज ए इन अ मोमेंट हर कोई अपनी अपनी जगह पर गया अपने टेंकों के बैट पर जो है फ़ौर ही जो है एक लम्हे में तमाम जानवर क्योंकि तके हुए थे एक ही लम्हे में जो है वो सो गए सो दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस नावल होपफुली आपको ये क्लियर हुआ होगा थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो